हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम अमित, आप मेरे चैनल देख रहे हो गेमिंग इंप्रो ब्लॉग्स। तो वेलकम टू गेमिंग इंप्रो ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग लेके आए न्यू गेम्स तो आपके सामने, यानी कि एक एक बार, यानी कि GTA 5 हम लोग ला रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मेरे को पता है गाइस। तो आज हम लोग यानी कि एक गेम लेके आए, इस गेम का नाम है रिच कुछ है गेम का नाम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस इसमें, तो इसमें यानी कि क्या है, तो ये लड़का जो है, जो आपके सामने ये वाला जो लड़का खड़ा हुआ है, ये वाला तो इस ये लड़का है, तो इसके दादाजी ने कुछ इच्छा थी कि भाई हमारा जो ये बड़ा सा यानी कि मेंशन क्या बोल रहा हूँ, GTA 5 की अभी लैंग्वेज आ रही है गाइस। तो जो इससे प्लॉट्स है, जो मैं अभी बातचीत करूँ प्लॉट्स में, यानी कि क्या बात करूँ मैं, तो इसके बहुत ही ज़्यादा दादा के बहुत ही ज़्यादा प्लॉट्स है, उसमें हम लोगों को मॉडिफिकेशन करने का, ठीक है। तो कोई यानी कि गाय ला सकता है, यानी कि हम लोग इसमें गाय का मिल्क भी बेच सकते हैं, फिर यानी कि एग्स भी हम लोग बेच सकते हैं। सारे यानी कि कितने कितने यानी कि इसमें होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये मुर्गी का कुछ हम लोगों ने इधर बनवाया हुआ है गाइस। तो ये अराउंड यानी कि 500 या 600 डॉलर में बन चुका है। तो मैं एक महीने से इस गेम को मैं देख रहा हूँ लगातार। तो अभी यानी कि खाना भी ख़त्म हो चुका था, भाई खाना हमारी जो था वो उधर से हम लोग लेके आते हैं। तो मैंने इसको देखा और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा इस वाले गेम को। तो मैंने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग यानी कि लेके ही आते हैं इसको भी। तो ब्लॉग्स भी बना दिए गए हम लोग इसको भी, तो आगे से सॉरी पीछे से डालने का मेरे को। तो ये थोड़ा सा मैंने हम लोगों ने बम्बू सा इधर रखवा दिया। तो आप लोग सोच रहे हो बम्बू क्यों इधर रखवाया हुआ है, तो गाइस बम्बू इसलिए रखवाया हुआ है भाई कोई मर मत जाना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तुम लोग महंगे मिल रहे हो मेरे को। तो एक मुर्गी के दाम है यानी कि 50 डॉलर है शायद, ठीक है। तो 50 डॉलर में एक आता है, ठीक है। तो और हम लोग उसको जो बेचने के लिए जाए, उसके एग्स हम लोग बेचने के लिए जाए, तो यानी कि हम लोगों को 6 डॉलर्स का अराउंड मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यही बिजनेस किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं काउ यानी कि जो गाय है वो गाय माता को भी मैंने इधर लेना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने थोड़ी सी गंद मचा दी है इधर, बहुत ही ज़्यादा गंद मचा दी है 2-3 दिन से। यानी कि मैं ट्रैफिक कर रहा था गाइस, इसको समझ है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही ज़्यादा इसको है, बहुत ही ज़्यादा ही है। तो अभी खाना तो हम लोगों ने रख दिया, एक बोरी भी नहीं है हमारे पास अभी कोई भी, तो मेरे को यानी कि जल्दी से जाके इन लोगों के लिए लेकर आना पड़ेगा। तो ये सब अभी खाना खा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, पानी भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, वाटर भी हम लोगों ने रखा दिया, खाना भी एक बोरी हम लोगों ने डाल दी अंदर के साइड। तो एग्स भी हम लोगों को ऊपर से मिल जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जो जगह है गाइस, ये वाली तो पूरा यानी कि इसलिए हम लोगों ने साफ़ करना पड़ेगा, ये साफ़ कर देते हम लोग, क्लियर कर देते इसको मैदान को। और इधर हम लोग यानी कि गाय के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा सा हम लोग बनवाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए एक लकड़ी, सब कुछ यानी कि चाहिएगा मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो है इसको तोड़ देते हम लोग। तो तोड़ने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो बिल्डअप पर चलते हैं। बिल्डअप पर जाने के बाद लेट्स पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यानी कि ये सब कुछ है ना, इसको हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, तो जिसके वजह से यानी कि ये सब कुछ यानी कि तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो दादाजी के सब कुछ आखिरी हमारी जो इच्छा थी वो हम लोग पूरी कर ले इसके। तो डैमेज कर देते इसको, तो ये सब कुछ लकड़ियाँ बकड़ियाँ सब कुछ गिर गए। अभी ये भी एक बाकी है शायद, इसको भी हटाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है गाइस। तो फ्री टाइम में यानी कि बहुत ही ज़्यादा इस गेम को मज़ा आती है खेलने में, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो गाइस, मैंने भी ट्राई करके रखा हुआ है। और यानी कि स्ट्रीम में भी आप लोगों को अवेलेबल है, तो 500-600 रुपये पकड़ के चले गाइस, 600 रुपये हो जाते हैं यानी कि इस गेम को आप लोग परचेस करना चाहते हो तो ही, ठीक है। तो क्रैक भी इसका वर्जन भी है, तो मैं आपको यानी कि बता दूंगा कि भाई क्रैक वर्जन यानी कि कैसे यूज़ करने का, क्या करने का। तो ये पूरा यानी कि जो आप लोग सोच रहे होगे, तो भाई स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को इंजन को भी ऑन करना पड़ेगा। तो ये पूरा मैंने इधर से मैंने खाली तो कर दिया है गाइस। तो और गाय भी मेरे को लानी पड़ेगी, तो उस जगह थोड़े से मेरे को लग रहा है उधर थोड़ा सा यानी कि घास रह चुका है, तो उधर से हटा देते हैं, थोड़े से पीछे लेते हम लोग गाड़ी को और इधर से चलते हैं गाइस। तो फटाफट से हम लोगों को इधर साफ कर देते हैं। तो एक बार मैं ब्लॉग्स इसको डाल के मैं देखूंगा, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा गाइस, तो मैं दूसरा भी ब्लॉग्स जल्दी से मैं ला के रखूँगा आपके पास ही। तो देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मेरे को मिलता है यानी ये वाले गेम पे। और GTA 5 में तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मेरे को कर रहे हो, तो वो तो देखने की कोई बात ही नहीं है। तो इसको भी मैं देख लूँगा। तो चलिए अभी इसको भी हटा देता है, इसको भी हटा देता है, इस वाले घास को भी। तो बीच में यानी कि 2-3 घास और भी है शायद, तो वो भी यानी कि लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं यानी कि घास जो रह गई थोड़ी छोटी सी रह गई, तो यानी कि वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा गाइस, इसलिए हम लोगों को प्रॉपरली हटानी पड़ रही है। तो
तो इधर से मैं सोच रहा हूँ ये वाले हटा देता हूँ और थोड़ा आगे से भी यानी कि अंदर ले लेता हूँ। तो इस पेड़ को मैं सोच रहा हूँ काट दूँ, क्या करूँ? तो नड़ेगा तो नहीं बीच में, यानी कि बिल्डअप करने में तो यानी कि वो भी बताएगा। तो कितने से, यानी कि मेरे को बॉर्डर तो मैंने बनवा ली थी कब की, तो उसको यानी कि चाहिएगा कुछ बनवाने के लिए। तो पीछे घास रह चुका है भाई, पीछे चल पीछे चल पीछे चल, आन दे 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 आन दे, बस हो चुका है। तो अभी इतने में करके देख लेते गाइस, यानी कि बीच में यानी कि जो भी यानी कि घास वास होगी वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। साइड करने पर यानी कि हम लोग इधर इंजन को ऑफ कर देते हैं, उतर भी जाते हैं हम लोग। इसके सारे कंट्रोलर यानी कि मैं बताऊँ गाइस बहुत ही ज़्यादा अलग से हैं, तो मेरे को यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होती है। तो बिल्डअप पे मोड पे चलते हैं। तो इधर हम लोग बिल्डअप करेंगे, ये प्रेस करेंगे, होल्ड ऑन कर देंगे, तो $900 ओके हमारे पास। 199,150 अभी है हमारे पास, तो $1,00,000 जैसा है कुछ, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्ड करते थे गाइस फटाफट से, तो भी बिल्ड हो जाना मेरा बाप। तो यस होगा ये कंप्लीटेड। तो ये गाइस यानी कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम लोगों को वुडन की यानी कि मैंने आपको बताया था वुडन की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो पेड़ पौधे को मेरे को इधर से काटना पड़ेगा गाइस। तो चलते हैं, ये फ्रेम तो कंप्लीटेड हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही साथ हम लोग कुछ लेके चले, तो भाई इसको हथौड़ी को हटा दे। तो हमारी गाड़ी थी ना वो वाली कहाँ गई, ये रहे। तो मेरे को थोड़ी सी लकड़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी को हम लोग कुछ काट दे दें, तो इस वाले को हम लोग उधर लेके चलते हैं। तो मैंने यानी कि 3-4 ऐसी रखी हुई है गाइस, तो मेरे को कटिंग के लिए लेके भी जाना पड़ेगा गाइस। मेरे पास 2-2-4-5-6-7 लकड़ियाँ है और भी मेरे को चाहिएगी। तो मौसम आज तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े की बात है यार गाइस, क्या बताऊँ आप लोगों को, तगड़ा हो चुका है मौसम भी। तो यानी कि इधर यानी कि गाइस ऐसा होता है कि कभी तुरंत ही बरसात भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी देखने की बात होती है। तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ, और पीछे है पीछे है ब्रो पीछे है पीछे चढ़ थोड़ा सा। तो इसको यानी कि ले लेते हैं हाथ पे और यानी कि चलते हैं। कटिंग यानी कि नज़दीक ही है, बहुत ही ज़्यादा दूर तो नहीं है गाइस, बाकी हम लोगों को लेके ही जाना पड़ेगा इसको सभी को। छोड़ दे भाई इधर ही छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो हमारे टोटल यानी कि कितने हो गए, तो और भी मेरे को लकड़ियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग सोच गए मुर्गी में हम लोगों ने क्यों बांध के रखा हुआ है गाइस, तो वो लोग क्या बाहर नहीं निकले इसलिए हम लोगों ने इधर रखवाया। और लकड़ी की इंतज़ाम करना पड़ेगा मेरे को शायद ली। तो ये सोच रहा हूँ कि ये आगे वाले जो है ना उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है ये वाले। तो बाद में यानी कि क्या ना हो जाए कुछ भी ऐसा तैसा, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ये प्रेस करने का है हम लोगों को, इधर ऐसा हम लोग किया कट, और इसको होल्ड ऑन करके यानी कि चॉप करना पड़ेगा हम लोगों को, कि जिसके वजह से यानी कि जो हम लोगों को पता चला, चलो कोई बात नहीं एक लकड़ी है गई है, तो इसको हम लोग कर देते हैं चॉप कर देते हैं। तो ये कर दिया हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ही। तो 1-2-3-4-5 एक वृक्ष में से यानी कि एक झाड़ में से हम लोगों को 5 या 6 मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग होल्ड ऑन कर देते हैं, तो लकड़ियाँ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी गाइस मेरे को। ऐसा तो नहीं है कि भाई इतने में काम हो जाएगा, इतना बड़ा सा यानी कि है तो इसमें यानी कि अराउंड जाएंगे बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसमें यानी कि हम लोग जाएंगे इसको कटिंग करवाएंगे, कटिंग करवाने के बाद यानी कि हम लोगों को वुडन देगा, वुडन से हम लोग यानी कि इधर बनवाएंगे। तो देखते हैं अभी शायद हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो फटाफट से मैं भी इधर रखवा देता हूँ 1-2 करके, इतने में लकड़ी में काम हो जाएगा भाई। मैंने सोच रहा हूँ कि एक ही साथ में लेके चलता हूँ, यानी कि पड़ी होगी तो यानी कि और भी यानी कि बिल्डअप पे काम लगेगी। तो अराउंड मेरे को यानी कि एक लकड़ी में से 2 यानी कि बोर्डन्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग गिनती कर लेते हैं, 1-2-3-4-5 इसमें हुआ, 6-7-8-9-10 और 11 उधर है, ठीक है। तो 22 वुड शायद बन सकते हैं, और भी मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, 50-60 की तो ज़रूरत पड़ेगी आराम से, यानी कि इतना बड़ा सा बिल्ड होने वाला है। तो करते हैं अभी कुछ तिकड़म करना पड़ेगा मेरे को भी। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा घास बहुत ही ज़्यादा कटिंग कर ली है, मेरे को लगा इतना बड़ा बनेगा पर बना नहीं, कोई बात नहीं है। तो गाइस मैं पहले से यानी कि कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ इसको, यानी कि पहले मैं इसको गेम को मैं खेल चुका हूँ इसलिए यानी कि कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगती है गाइस, इसलिए मैंने कंटिन्यू फर्स्ट वाले ब्लॉक से नहीं किया हुआ है गाइस, सॉरी आप लोगों को। तो मैं सीखने कंट्रोल सीखने के लिए यानी कि मैं इधर चलता हूँ, कि भाई सभी लोगों को कंट्रोल सीखना पड़ता है, यानी कि गेम के बीच में यानी कि कंट्रोलिंग नहीं आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि बुरा लगता है हम लोगों को भी। तो मेरे को लगता है कि इतना अराउंड हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं सोच रहा हूँ इसको हम लोग गाड़ी के लेके कैसे जाएंगे। तो मैं इस गड्डी में तो शायद यार को पीछे वाली जो ये वाली जगह है ना, ये वाली इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इतना हमारे पास यानी कि बड़ा सा ट्रक भी नहीं है, वो भी लेना पड़ेगा। जो गाय को हम लोग लेके आएंगे तो इसमें तो आएगी नहीं। तो इसको मैं होल्ड ऑन कर लेता हूँ। होल्ड ऑन करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, बैठा देता है बीच में ही। तो ऐसे सीधा ही मेरे को रखना पड़ेगा गाइस। चलिए सीधा ही रख देते इसको ही, और सीधा करना पड़ेगा मेरे को, और सीधा और सीधा। अभी आ जाना यार, क्या हो रहा है इसमें भाई, कंप्लीट तो यार आ जाएगा। अच्छा आ रहा है आ रहा है आ रहा है। मैं थोड़ा सा लकड़ी को थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ कि उसकी वजह से यानी कि टेढ़ा होगा तो बाकी सब यानी कि इधर से नहीं आ पाएगा। ये भाई ये तो सीधा ही है, चलो अभी हो जाए, नखरे मत हो जाए। चलो गाइस हो चुका, एक हम लोगों ने रख दिया। ऐसे ऐसे हम लोग करके बाकी सबको यानी कि इधर रख देते, तो जो उधर से वुडन हम लोग बनवा के लाएंगे वैसे ही हम लोग सेम टू सेम उसको भी करेंगे। तो हम लोगों को धक्का भी यानी कि बहुत एक 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 लकड़ी को लेके जाने का भी नहीं पड़ेगा और तुरंत ही यानी कि इधर भी हो जाएगा गाइस। तो चलिए मैं इधर रख देता हूँ गाइस, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ गाइस फटाफट से। गाइस तो अभी फाइनली हम लोगों ने इधर तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ रख दी है, तो दो तीन और भी है मेरे पास, तो वो बाद में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग लेके जाएंगे। तो फटाफट से यानी कि हम लोगों को पीछे के साइड जाने का, बारिश का अभी मौसम स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो ओ तेरी अभी बहुत ही ज़्यादा लोड हो चुका है वन साइड ही। तो मैंने एक साइड यानी कि बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ रख दी है और एक साइड मैंने लकड़ियाँ नहीं रखी है। तो एक साइड यानी कि वजन जा रहा था, यानी कि गाड़ी भी धीमे धीमे चलानी पड़ेगी मेरे को, तो अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है मेरे को अभी भी। तो चलते यानी कि ये पीछे का साइड था ना, वो उधर ठुक गई ठुक गई ठुक गई। इस गाड़ी का कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है गाइस, तो अपडेट के बाद यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो अलग से यानी कि इसका भी लुक आएगा हमको भी। तो उसको नीचे के साइड हम लोगों को जाने का, नीचे के साइड नीचे के साइड नीचे के साइड, ठुकना नहीं है ब्रो ठुकना नहीं है, कोई बात नहीं। इसका इंजन भी बहुत ही ज़्यादा यानी कि हो जा रहा होगा, कोई बात नहीं है। तो उसमें यानी कि पेट्रोल है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा मेरे को। तो जड़ कटिंग के लिए हम लोग अंदर ही डाल देते उसको ही, यानी कि इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा टाइम भी ना बिगड़े। तो तीन ऑलरेडी मेरे पास लकड़ियाँ आए गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ इधर पीछे आंदे 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 इधर से मैं रखूँ, तो जिसकी वजह से यानी कि हम लोगों को भी अच्छा रहे, दूर दूर तक हम लोगों को जाना ना पड़े। तो इसका इंजन हम लोग स्टार्ट कर देते गाइस, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर की तरफ। चलो कोई बात नहीं, तो इसको यानी कि चालू कर देते, पेट्रोल तो है इसके अंदर, यह स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम लोगों को एक एक का उठा उठा के इधर रखना पड़ेगा। कोई भी ले सकता हूँ ना मैं इसमें से, यस कोई भी ले सकता हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि भाई इधर ही हम लोग करें। तो इधर हम लोग इंस्टॉल कर देते इसको भी, ऐसे ऐसा कटिंग होता जाएगा और ऐसे ऐसे वुडन्स बनते जाएगा कैसे हमारा, और ये कटिंग होकर नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को इधर रखना पड़ेगा, तो तेज़ तेज़ रखना पड़ेगा हम लोगों को गैस। तो इसलिए कि भाई पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल हो इसलिए, तो इधर पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा दूर मिलता है गैस, लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ बहुत ही ज़्यादा दूर मिलता है गाइस। तो थोड़ा सा मैंने अपना स्पीकर भी ऑन करके रखा हूँ, उसको ऑफ कर दे तो माइक में आप लोगों को मिल रहा होगा, थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन भी मिल रहा होगा, तो कोई बात नहीं। तो अरे इधर से निकालने का, ये वाले फर्स्ट वाले निकालने के, ओके ऐसे एक एक करके ये निकालनी पड़ेगी। लास्ट वाले जो निकालने के लिए जाएंगे गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको वुडन का भी कट हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ हो रही है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं इसको यानी कि नीचे से तो नहीं निकाल सकते नहीं। तो चलिए मैं इधर कटिंग करके आपको बाद में मिलता हूँ गाइस फटाफट से, कि भाई वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मेरे को वो भी करना पड़ रहा है। फाइनली यानी कि मैंने सुबह भी 8 बज रहे, 8 बजे मैं अभी जस्ट उठा, और उठने के बाद ही यानी कि जस्ट अभी मैं जा रहा हूँ अभी यानी कि जो वुडन का हम लोगों ने कटिंग किया था, तो कल रात को मैंने उधर ही मैंने छोड़ के यानी कि जो हम लोगों को बनाने के गाय के लिए सब लोगों के लिए, तो मैंने उधर ही मैंने गाड़ी छोड़ के यानी कि उधर ही बनवा के रखा हुआ है। तो चलते उधर ही फटाफट से यानी कि ये रहा। तो इतना लकड़ियाँ तो नहीं हुई है और भी मेरे को चाहिएगी ही, पक्का ही मेरे को श्योर हूँ मैं कि भाई इतना में तो कुछ भी नहीं होगा। तो तीन यानी कि इसमें चले जाएंगे, एक फ्लोर में ही चले जाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को ऐसे ही, तो ई प्रेस किया, ये इंस्टॉल एक साइड का हुआ। मैं अंदर चला जाता हूँ, ठीक है मैं अंदर ही चला जाता हूँ, अंदर से बाहर में मेरे को आना ही पड़ेगा। चलिए अंदर चला जाता हूँ मैं, ऊपर का पहले बनवा लेता हूँ गाइस, क्योंकि ऊपर में बहुत ही ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस, इसलिए मेरे को ऊपर का साइड ही मेरे को जाना चाहिए,
कि ऊपर का साइड, इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस कि ऊपर का साइड बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रास्ता है। तो लॉन्ग क्या बोल रहा हूँ मैं भी, अबे क्या हुआ इसको यार, रुक जाने का दो था उधर जाके, यार क्या कर रहा है तू भी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो दूसरा यानी कि इधर भी हम लोग बनवा ले ये वाला भी। तो ये मेरे को शायद, मेरे को लग रहा है कि इधर से मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ मैं फटाफट से, फटाफट से मेरे को करना पड़ेगा गाइस। तो इधर से हम सीढ़ी भी चढ़ के जा सकते, ऊपर का भी हम लोग इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए पूरा भी बन जाए, उसके बाद ही मैं आपको सब लोगों को मिलता हूँ गाइस फटाफट से। तो गाइस अभी खाली एक ही बाकी है, तो फटाफट से इसको भी इंस्टॉल कर देते इधर भी। तो इधर इंस्टॉल करने के लिए इधर को मेरे को जाना पड़ेगा इस साइड। ओके डन, इधर हम लोगों ने ही प्रेस किया, फाइनली गाइस हमारा ये रेडी हो चुका है गाइस। बहुत ही ज़्यादा ही यानी कि अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ही। तो ये गेम के अंदर ही होता है कि भाई रेड कलर हो जाता है। तो मेरे को यानी कि दूसरा यानी कि हम लोगों को वुडन काटने के लिए भी जाना पड़ा गाइस। बहुत ही ज़्यादा इसमें वुडन गया, बहुत ही ज़्यादा ही। तो अभी खाली एक ही बचन सैडली, तो दो बचे हुए हैं, ठीक है दो बचे हुए हैं। तो उधर एक एक था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर कुछ बिल्ड करने का आना चाहिए यार गाइस, क्योंकि ये तो हम लोग गाय को लाएंगे तो बाहर वो तो आसानी से उतर के चले जाते। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार कि भाई इधर बिल्ड करने का कोई ऑप्शन दे रहे हैं हम लोगों को। ये इतना सारा बिल्ड करने का है, पैसे की तो ऐसी की तैसी लगने वाली है गाइस। तो इधर पहले को हम लोग डोर को हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ओके ओके ओके, ई प्रेस फोल्ड होल्ड ओके। तो $75 यानी कि $75 यानी कि इसका डोर बनाने के लिए लगने वाला है गाइस। डोर तो बनाना ही पड़ेगा। ओसे ये वाला डोर है गाइस, यानी कि ऊपर का हम लोग खुल सकते हैं, नीचे का भी खुल सकते हैं। चलो पहले मैं बिल्ड कर लेता हूँ सभी जगह। ये वाली कौन सी है, तो ये बोल रहा है कि ई फोन ओके होल्ड करने का है हम लोगों को थोड़ी देर। तो ये खाने पीने का $100 का है ओके, ये तो चाहिएगा ही हम लोगों को गाइस। तो ये भी हम लोगों ने रखवा दिया है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक अभी दे रहा है हमारा। और एक दरवाज़ा उधर भी हम लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए बिल्ड कर देता इधर भी। तो सारे यानी कि दरवाजे ऑलमोस्ट यानी कि रेडी तो हो चुके हैं। ये भी $75 का है, तो वो भी 75, ये भी 75। तो बहुत ही ज़्यादा अभी खर्चा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वाला। तो कोई बात नहीं, तो इधर भी एक बिल्ड करने का है। और कितना बिल्ड करूँ मैं इसको, फोटो तो दिखा भाई। चलो कोई बात नहीं, इसको वो बोल रहा है कि मैं करवा दूंगा। हो गया 150। अच्छा बाउंड्रियाँ बनी है, ओके 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 ओके, ये बाउंड्रियाँ बन चुकी कि भाई इधर से यानी कि कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो इधर का क्या है था? तो इधर का एक डोर भी बन सकता है ओके। ओल्ड ऑफ मैंने तो किया हुआ है, $125 का गाइस बन रहा है यानी कि ये डोर। तो ये छोटा वाला मेरे को बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है ओके। होल्ड ऑन कर देते इसको भी। तो ये फाइनली यानी क्या गाइस हमारा बिल्ड हो चुका है। चले लगे हाथ इस यानी कि इस गाड़ी को भी मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इधर गाय और सब कुछ लेके आऊँगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग्स में गाइस। ये वाला ब्लॉग्स आप लोगों को अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट नहीं करो तो कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इस मेहनत लगी हुई है गाइस, GTA 5 जो बना रहे थे गाइस। ये स्लाइडर वाला है ना, यस ये स्लाइडर वाला है गाइस। तो GTA 5 में यानी कि बना रहे थे गाइस, यानी कि बहुत ही इससे भी तगड़ा यानी कि हो रहा था। तो पता नहीं अभी क्या हो सकता है इसके लिए। तो और भी इधर मैं कुछ नहीं बना सकता हूँ ना, नहीं नहीं और इधर तो कुछ नहीं मेरे को बता रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, इधर ही हम लोग छोटा मोटा सा अभी रखेंगे। तो गाइस GTA 5 बनाने में जितना टाइम उसमें लगता है उससे यानी कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो 2 घंटे तो आराम से लगते हैं ठीक है। उसके यानी कि लकड़ियाँ काटो, लकड़ियाँ काटने के बाद उसको यानी कि वुडन बनाने के लिए जाओ, वुडन बनने के बाद इधर इंड बिल्ड करो, सब यानी कि सब कुछ काम करना पड़ता है। उधर क्या सब कुछ मोड के हिसाब से चलता है, इधर मोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। तो कोई बात नहीं गाइस, आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट नहीं करो तो कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब जल्दी से करके और फटाफट से लाइक कर दीजिएगा गाइस। और इसमें यानी कि आप लोग सपोर्ट दिखाओगे गाइस तो और भी इसके लिए मैं व्लॉग्स लाऊंगा। बाकी तो मैं गेम खेलता रहता हूँ, तो मैं अभी जल्दी से जाऊँगा और फटाफट से गाय को भी लेके आऊँगा, फटाफट से गाय को भी इधर लेके आऊँगा, पेट्स छोटे छोटे जो भी हो गए वो लेके आऊँगा, खाने को भी ले आना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इधर पानी की छोटी मोटी और टंकी भी मैं रखवा दूंगा। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को सभी को पता चले जाने वाला है कि भाई क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले गाइस ठीक है। तो फटाफट से आप लोगों को वीडियो को एंड करते हैं भाई, तो चलिए फटाफट से वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने के बाद यानी कि तुरंत यानी कि फटाफट से मेरे को लाइक कैम करता, लाइक कैम तो नहीं रख सकते गाइस अभी, तो बारिश का मौसम अभी। और
उसके साथ साथ गाइस फटाफट से मेरे को यार करवा दीजिएगा, 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके, खाली 300 सब्सक्राइबर बाकी है, जल्दी से करवा दीजिए, फटाफट से करवा दीजिए गाइस। यानी कि इस वाले आपको अच्छा लगा हो गेम प्ले मेरा तो गाइस फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी वीडियो को अभी एंड कर दें तो मैं इधर देख लेता हूँ खाना बाना अभी कैसा है क्या है, और इसको एक्स को भी मैं बेचने के लिए जाऊँगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग्स में। तो नेक्स्ट वाले आप लोगों को जो प्यार अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग्स इसमें आ जाएगा, और नहीं रहा प्यार तो अच्छा तो वो GTA 5 को उनके कंटिन्यू कर देंगे गाइस। तो चलिए बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करके देना। बाय बाय।